ये बात 2012 की है, जब मैं बिट्स प्लानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 मिला था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था मेरे रूम के अंदर कोई आया है, खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने मुझे उसने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं देती। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके हुए थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था। मैं मेरे कमरे में अकेला था। उस दिन वहां जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे बहुत जोर से दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बारिश और तेज होगी जिसकी वजह से लाइट्स चले गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर बहुत जोरों से फिर खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई ना था। तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ था वो खुला पड़ा है। पता नहीं मुझे क्या सूझा, पर मैं उस कमरे में जाने को खुद को रोक ही ना सका। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो मुझे रोज रात को सोने नहीं देती थी। तब ही मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी, पर मुझे ऐसा लगा कि उस अलमारी से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती हुई बिजली में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखी। मैं वो देख के बहुत बुरी तरह से घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड की तरफ भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 में के पास ले गया। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो कमरा पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। यहाँ एक लड़का रहता था कि जिसे यहाँ प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को इनका रिश्ता बिल्कुल नहीं मंजूर था और कुछ दिन बाद उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटका कर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज करवा लिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल कार्टून उर्दू स्टोरी को काइंडली सब्सक्राइब कर लें।